हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन हिमांशी को इतना ज्यादा लोगों ने टारगेट किया इस ब्रेकअप के बाद कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ही डिलीट कर दिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हिमांशी खुराना ने आसिम के साथ की अपनी चैट्स शेयर की और उसके बाद अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। इन चैट्स में दिखाया गया कि किस तरह से हिमांशी ने पहले रीजन नहीं बताया था और बाद में आसिम ने चैट में कहा है कि हिमांशी को रियल रीजन बताना चाहिए और उसके बाद हिमांशी ने रियल रीजन ही शेयर किया था ट्विटर पर अपने ब्रेकअप को अनाउंस करते हुए, जो ये था कि दोनों अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स पर रहना चाहते हैं और इसलिए वो अपने लव को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हिमांशी ने ये चैट शेयर की और लास्ट ट्वीट में लिखा, दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट टू क्लैरिफाई दैट आई एम अ सेक्युलर पर्सन, सो आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी रिलीजन, आई जस्ट चोज माइन। If I don't want anyone of you to blame him for breakup, then I also want no one of you to blabber against me from my past relationship. I was quiet. Himanshi ने इसके बाद अपने accounts delete कर दिए। वहीं फिर आसिम ने हिमांशी का stand लेते हुए कहा कि yes, उन दोनों ने अपने प्यार को religion की वजह से sacrifice किया। आसिम ने कहा, yes indeed, we both agreed to sacrifice our love for our respective religious beliefs. We both are 30 plus and we have full right to take these mature decisions and we made it. We have decided to part ways amicably, embracing our individual journeys, respect for Himanshi and our diverse path. And yes, indeed, I told her to write the real reason for our separation. Request you to all respect our privacy. Ab Himanshi to ho chuki hai social media ke ऑफ। वहीं दूसरी तरफ आसिम रियाज ने कैजुअली ये ट्वीट शेयर किया और वो अपने जिम वीडियोस शेयर करते दिखे।